अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। शहर की बहुत सारी खबरों के अंदर से हम कुछ खबरें निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि उन अहम खबरों को और उन अहम मामलात को इस प्रोग्राम और इस सेगमेंट का हिस्सा बनाएं और आप तक, नाज़रीन तक बताएं कि इस शहर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है और सरकारें और जो अभी बल्दियात के हवाले से मामला चल रहे हैं। कहीं डिबेट ये चल रही है कि पीपल्स पार्टी कभी जमात इस्लामी को मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि मिल बांट के जो है वो बैठ कर काम होना है। इसी हवाले से आज जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत जो है वो सिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उसके अंदर कुछ जगहों पर एतराज़ात की बातें जो हैं वो सामने आईं और कहीं पार्क के ऊपर जो है शिकायत हुए, कहीं बात की गई कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो टाउन जो मुंतखब लोग हैं नुमाइंदे उनके अंडर होना चाहिए और ये तमाम चीज़ों के ऊपर बहस हुई है। इसके ऊपर तमाम तफसीलात नाज़रीन तक पहले पहुँचाएँगे हमारे रिपोर्टर के टुडे न्यूज़ के तारिक ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। तारिक, पहले तो तफसीलात बताएँ ना, अभी तक यही इस शहर का नहीं पता चल रहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो किसके मातहत होनी चाहिए और किसके नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व या कनसईम। देखिए अली रज़ा, मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि जो है कराची शहर के मसाइल हल करने के लिए सबसे बड़ा काउंसिल जो तीसरा इजलास आज मुनक्किद हुआ, वो भी जो है वो शोर शराबे की नजर मछली बाजार जो वो बना रहा, जिसके अंदर जो है जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में गुस्सा गुस्सा जो है वो हमें नजर आए। बात करने के मौके नहीं दिए गए। 5 से ज्यादा जो है वो करारदादे मुतफ़िक़ का तौर पे जो है वो मंजूर की गई, जिसके अंदर 246 टाउन को 3-3 करोड़ रुपए की तकसीम का मामला था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जो है वो जो क्या कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के सपोर्ट करने का मामला था। काउंसिल के इजलास के अंदर जो है वो जितने भी रिटायर मुलाजमीन हैं उनके जो है वाजिबात अदा करने की जो है वो करारदादे जो है वो मंजूर की गई, जिसके अंदर सर फहरिस्त जो है वो टाउन्स को जो है वो 246 टाउन है उनको जो है वो 3-3 करोड़ रुपए की फंड्स का जो है वो इजरा का मामला सामने आया, मंजूर कर ली गई। मेयर कराची ने जो है वो अमीर जमात इस्लामी है कराची के हाफिज नईम रहमान को जो है वो खुश आमदीद कहा और जो है वो उनके बाकायदा तौर पर जो है वो उनका इस्तकबाल किया, उनके लिए जो है वो सीट से खड़े हुए और कहा कि जो है वो हम सब ने जो है वो मिलकर शहर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करना है। इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए जो है वो तमाम सियासी जमातों ने, तमाम सियासी जमातों ने मिलकर काम करना है। जबकि जो है वो उसके बाद कुछ ना खुशगवार बात हुई वहां पे, जिसके ऊपर जो है वो 2023 में जो है वो काउंसिल का बजट मंजूर किया गया था उसके ऊपर जो है वो शदीद तनकीद का उसको सामना करना तनकीद की गई उसके ऊपर और कहा गया कि जो है बजट के अंदर जो है वो सिर्फ एक यूसी को अलॉटेड टाउन को जो है वो वहां पे जो है वो फंड से जो है वो नवाजा गया है। लेकिन उसके बरअक्स जो है वो वहां पे तमाम लोगों ने आज नजमी आलम है उन्होंने बात की, जो सैफुर रहमान है जमात इस्लामी की उन्होंने बात की, खुद जो है वो अमीर जमात इस्लामी है उन्होंने खुद बात की और तमाम चीजों का जो है वो बखूबी जायजा लिया, जिसके ऊपर जिसके बाद जो है वो इजलास हंगामे की नजर हुआ, जिसके अंदर 5 से ज्यादा जो मैंने बताया को करारदादे मंजूर की गई थी उसके अंदर मेयर कराची को जो है वो टोकता है और कहा गया कि जो है वो आप हमारे मेयर नहीं है, आप मुंतखब मेयर नहीं है, डाका डाला गया अवामी मैंडेट के जिस पर मेयर कराची ने शदीद बरहमी का जो है वो इजहार किया और कहा कि जो है वो मैंडेट जो है वो कराची की अवाम ने वो हमें दिया, जिसकी वजह से जो है वो मेयर में जो है यहाँ पे मुंतखब हुआ, जिसके बाद जो है वो जमात इस्लामी की जानब से जो है वो जमात इस्लामी की जानब से मेयर कराची के लिए जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाने का बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान कर दिया गया और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं उन्होंने कहा कि जो है मेयर कराची का रवैया जो है वो अवामी रवैया नहीं है, वो सिर्फ जो है वो अपने नॉमिनेटेड नुमाइंदों को जो है वो फंड अलॉट कर रहे हैं, जबकि जो है वो जहाँ पे जमात इस्लामी जो जीती है, जहाँ पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है वहाँ पे जो है वो फंड अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। तारिक, संगीन नौयत के इल्जाम जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से लगाए जा रहे हैं। मामला ये भी है एक तरफ तो ये मछली बाजार इस शहरियों के किस्मत में ठहरा है कि जहाँ मसले हल होने हैं वहाँ पर इतनी इस कदर जो है वो बदनज़मी देखी जा रही है, मामलात जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करने के बजाय हंगामे की नज़र हो रहे हैं इजलास, मगर साथ साथ जो इंतहाई अहमियत की बात वो ये है जो नाज़रीन जिस पे यकीनी तौर पे गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि अभी तक इस शहर के अंदर यही तय नहीं किया जा रहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके मातहत होगी, वाटर कॉरपोरेशन के अमले को टाउन्स आप जो है वो टाउन्स चेयरमैन के मातहत किया जाए। हम इस शहर के
मतलब इतनी बदकिस्मती है कि अभी तक हम यही तय नहीं कर पा रहे कि बल्दियाती इलेक्शंस हो गए, टाउन्स के अंदर इख्तियारात की जो बात की जाती है कि निचली सतह तक पहुंचाना है, तो इतने तहफ़ुज़ात होंगे तो कैसे काम होगा तारिक, कि अगर यही डिबेट का हिस्सा ख़त्म नहीं हो रहा अभी तक? बिल्कुल अली रजा, कि जब तक हम इस शहर के बासियों का और इस शहर का जो है वो ये हमेशा से जो है वो अलमिया रहा है, ये शहर के हुक्मरानों का जो है वो आज तक हमने किसी भी काउंसिल इजलास के अंदर जो है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई बात नहीं की। आज तक हमने जो है वो काउंसिल का कोई भी इजलास हो उसके अंदर जो है वो अवाम की तरजीहात को जो है वो शामिल ही नहीं किया गया, बल्कि जो है वो काउंसिल के अंदर तनकीद बराए तनकीद की जाती है, ना कि तनकीद बराए इसलाह की जाती है, ना कि जो है ये बात की जाए। दोनों जमात तीनों जमातें जो काउंसिल के अंदर हैं, जो नॉमिनेटेड जिनके नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से, अगर तीनों आप काउंसिल के इजलास उठा के देख लें तो उसके अंदर जो है वो कहीं भी जो है वो अवाम के मसाइल के ऊपर जो है वो गुफ्तगू नहीं की तारीख गई, कैसे जबकि जो है होगा वो ना, मेयर, आवाम का मसला कैसे होगा जब बैठने को तैयार नहीं है जमात इस्लामी, मेयर को मेयर तस्लीम करने को तैयार नहीं है, संगीन नौइयत के इल्जाम जमात इस्लामी की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, फंड्स की इजरा ना करने के ऊपर जो है एक अजीब करीब सूरत हाल है कि अल्लाह अल्लाह करके ये शहरी ये सोचने पे मजबूर हुए थे कि ठीक है जी बल्दियाती इलेक्शन हो ताकि एक आम आदमी का मसला हल हो सके, गली मोहल्लों में पानी सीवरेज जो भी तामीराती और इस तरह के मामलात हैं उसको बेहतर अंदाज में किया जा सके, शायद हो सके। ये मामलात के ऊपर डिबेट चल रही थी कि अब बल्दियाती इलेक्शन हो गए, मगर उसके बावजूद भी ये सूरत हाल कहाँ जाके रुकने का नाम लेगी? कुछ अंदाज़ा हो रहा है क्या, इनसाइट्स हैं आपके पास? अली रजा बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पा रहा कि जो सियासत का रुख है वो जो काउंसिल इजलास के जो रुख हैं, जो करारदाते हैं वो अवाम के लिए कितनी जो है वो बेहतरमंद साबित होंगी। तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बात ही नहीं की जा रही है अवाम के मसाइल के ऊपर। शहर के अंदर कोई सड़क ऐसी नहीं है। जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में एक केस की समाप्त हुई जिसके अंदर केएमसी से सवाल किया गया कि जो कलेक्शन होती है काउंसिल की, जो केएमसी की जाने से कलेक्शन की जाती है वो कहाँ पे लगाई जाती है, कहाँ पे वो जो है वो किन तरक्याती कामों में जो है वो लगाई जाती है, जिसके ऊपर जो है वो केएमसी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर रेनोवेशन और डेवलपमेंट वर्क के अंदर जो है वो तमाम चीजें लगाई जाती है, जिसके ऊपर नदीम जस्टिस नदीम अख्तर है उनकी जानिब से कहा गया कि केएमसी के जो वकील हैं कि कराची शहर के अंदर कोई एक ऐसी सड़क नहीं है जिसको हम जो है वो मॉडल सड़क कह सके, कराची शहर के अंदर कोई एक ऐसा अंडरपास नहीं है जिसके अंदर जो है वो लाइटें लगी हुई हो। तमाम जो है वो बात की जाती है कि हम अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, हम अवामी मसाइल के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, जिसके बाद जो है वो जस्टिस नदीम अख्तर ने जो केएमसी का जितना सालाना बजट है, जितनी रिकवरीज है और जितना एक्सपेंस है उन तमाम चीजों का जो है वो डेटा तलब किया नेक्स्ट हायरिंग के ऊपर। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो है वो इससे कबल भी जो है वो कहा गया था कि जो है वो गैर कानूनी पार्किंग साइट को जो है वो खत्म किया जाएगा, तमाम तजावुजात का खात्मा किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि शहर भर के अंदर तमाम गैर कानूनी पार्किंग साइट जो है वो अपने असर रसूख से जो है वो चल रही है। तजावुजात की जो बात की जाती है तजावुजात का खात्मा किया जाएगा, लेकिन तजावुजात शहर की सड़कों पर जो है वो जू के तू कायम है। बात की जाती है कि शहर के रांची के अंदर जो है वो पानी की लाइनें डाली जा रही है, पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आज तक जो है वो कराची के एक जो है वो इलाका है गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पैडल बी एरिया, नागन चौरंगी, यहाँ पे जो है वो आज तक लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जो है महंगे महंगे टैंकर जो है वो पानी के डलवा रहे हैं, लेकिन बात सारी इश्यूज यहाँ पे आके रुक जाते हैं कि जो है वो इनके ऊपर बात कौन करेगा, जिनको वोट दिया है। अच्छा तारीख जो है इसके ऊपर ही बताएं कि रेवेन्यू को तारीख बढ़ाने की बात की गई है, क्या जराए ढूंढ रही है केएमसी, किस तरह बढ़ाएंगे अपने रेवेन्यू? बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जो है वो टैक्सेस कलेक्शन की बात की जाती है कि केएमसी को हम अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अंदर बिलिंग की बात की जाती है, बिलिंग रिकवरी की जा रही है, तमाम चीजें जो है वो एक आम शहरी सवाल करता है कि जब हमारा पानी मुयसर नहीं होगा, पानी प्रोवाइड नहीं की जाएगा तो हम बिलिंग किस चीज की करें। बात की जाती है कि तमाम चीजों के मेयर कराची की जानेब से ट्वीट किया गया जिसके अंदर कहा गया कि जो है वो हम पानी वाटर सेवरेज कॉर्पोरेशन एक मुनाफा पक्ष इदारा बन चुका है, जिसके बाद हमने देखा कि कराची शहर के बासियों को जो है वो पानी मुयसर ही नहीं है। मेयर कराची एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि बहुत शुक्रिया तारिक काजमी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए और इजलास की मजमू सूरत हाल बताने के लिए और बताने के लिए कि इस शहर के साथ क्या हो रहा है। नाज़रीन देखते जाइए, और मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ
तमाशा हो रहा है, जो तमाशा हो रहा है वो आप भी देखिए। हुकूक इस शहर के लोगों को कब मिलेंगे उनके बुनियादी हुकूक, क्योंकि अभी रेवेन्यू की बात भी की जा रही है। बात यह है कि इस शहर के लोग अब बोलने पर ये मजबूर हो रहे हैं कि आपसे अगर सरकार से ये चीज़ें नहीं समझ रही कि किस तरह रेवेन्यू बढ़ाया जाए, तो इस शहर में चलने वाले माफियाज को जरा एक नज़र उठा के देखें। वाटर कॉरपोरेशन के अंदर 80-80 लाख रुपए यौमिया सिर्फ एक मुकाम से चोरी करके बनाया जाता है। आप अंदाजा तो कीजिए कि इसके अंदर रोड कटिंग माफिया है जो पूरे शहर को एक तरफ खोद रहा है, एक तरफ नुकसान पहुंचा रहा है और लाखों नहीं करोड़ों रुपए का टीका लगा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर खुलेआम गैर कानूनी पार्किंग माफिया जो है उसका राज है। आप जिस जगह जिस काम पे खड़े हों आपको तजावजात से पाक वो इलाका नजर नहीं आएगा, आपको गैर कानूनी तजावजात जो है वो नजर आएगी। और ये तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो एक आंख देख सकती है। इसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर एमटीयू सिटी डिपार्टमेंट है, ब्रिजेस के ऊपर मार्केटिंग हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है इस शहर के अंदर, कौन किसके हाथ से जो है वो चीजें कर रहा है। लोग ये सोचने मजबूर है कि माफिया तो है इधर इस शहर के अंदर यौमिया करोड़ों रुपए कमा रही है, मगर ना जाने क्यों सरकार जो है ताकत रखते हुए भी अपने रेवेन्यू को बढ़ा नहीं पा रही। एक बहुत अहम सवाल है नाज़रीन। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।